ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। आप सभी को मालूम है, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है देना होता है, जिसको नीट का एग्ज़ाम जो है बोलते हैं। साथ ही साथ नीट यूजी नीट पीजी दोनों एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। नीट यूजी से जो है आप एमबीबीएस करते हैं, वहीं नीट पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो है आप डॉक्टरी में जो है मास्टर करते हैं। एमपी हाई कोर्ट का दोस्तों जो न्यू अंतरिम आदेश आया है, वो एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होने वाली है उससे संबंधित है। एमपी हाई कोर्ट ने दोस्तों अंतरिम आदेश जारी कर एमपी सरकार को कहा है कि आप जो एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है आप 14% ही दें, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है 14% ही दें। और एमपी हाई कोर्ट ने दोस्तों बोला है कि जो भी ये प्रवेश रहेंगे, एमपी हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अंतर्गत रहेंगे। एक स्टूडेंट ने जो है मेडिकल कॉलेजों में जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको जो है चुनौती दी थी। उस स्टूडेंट ने बोला था कि 5 अक्टूबर से पहले जो नियम थे उसके अनुसार जो है मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की जो काउंसलिंग में 14% रिजर्वेशन की ही व्यवस्था थी। तो फ्रेंड्स, एमपी हाई कोर्ट ने एमबीबीएस की जो काउंसलिंग में जो है 14% आरक्षण देने का ही अंतरिम आदेश जारी किया है। धन्यवाद।